दोस्तों, मेरा नाम अरविंद। मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। ये वीडियो रिगार्डिंग है जो हमारा चल रहा है मेक इन इंडिया के नाम पे, फेक इन इंडिया। अब आप कहेंगे फेक इन इंडिया को बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली जितनी भी, और बेसिकली मैं अभी जो बोल रहा हूँ मेक इन इंडिया, वो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बोल रहा हूँ अभी। बाकी के बारे में मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बाकी के बारे में बोलूँगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, हमने मेक इन इंडिया किया है, ये किया, वो किया है, तो वो सब फेक इन इंडिया है। और मेरे पास प्रूफ है इसके कि ये फेक इन इंडिया है। कि जैसे कि हमारी कई मोबाइल कंपनियां जो चाइना की कंपनियां कह रही हैं हम यहाँ पर बना रही हैं अपना प्रोडक्ट और सेल कर रही हैं मेक इन इंडिया में, तो ऐसा कर क्यों नहीं है? और वो मैं ये फेक इंडिया क्यों कह रहा हूँ? अब एग्जांपल के लिए मैं जिस मोबाइल से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके डब्बे पे लिखा है मेड मेड इन इंडिया। ये पीछे अगर आपको नज़र आता हो, इसके पीछे लिखा है मेड इन इंडिया। इसी मोबाइल के पीछे, ये मोबाइल है रेडमी नोट 4, इसके डब्बे के पीछे लिखा है मेड इन इंडिया। ना रेडमी नोट 3 वाला, सॉरी, रेडमी नोट 3 है ये, और इसके पीछे लिखा है मेड इन इंडिया। ठीक है, अब मेड इन इंडिया का मतलब क्या होता है? इसके जो पार्ट्स हैं, मतलब सारे ना मान लो चलो सही, लेकिन 90%, 80% ही लगा लो इंडिया के अंदर बने होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया कहलाएगा। लेकिन जब मैंने इस फ़ोन को रिपेयरिंग के लिए खोला, तो इस प्रोडक्ट के, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक भी पार्ट इंडिया मेड नहीं है। ठीक है, इस डब्बे के ऊपर क्या लिखा है? मेड इन इंडिया। और इस मोबाइल के अंदर एक भी पार्ट मेड इन इंडिया नहीं है। इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी है वो मेड इन चाइना है। मोबाइल के अंदर जो चिपसेट लगा है, जो आपका पीसीबी बोर्ड है, जो चिपसेट लगा है, कैमरा मॉड्यूल है, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो एलसीडी है, और क्या बताऊँ मैं आपको, इसके अंदर हर पार्ट मेड इन चाइना है। सो अब हो क्या रहा है? और इंडियन गवर्नमेंट का उल्लू खींच रही है कंपनियाँ, सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ चाइना की, ठीक है, मूर्ख बना रही हैं। और जनता, गवर्नमेंट भी इसको मेड इन इंडिया क्या के इतना पॉपुलराइज क्यों कर रही है? वोट लेने के लिए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मेड इन इंडिया जो चल रहा है वो सही है। ठीक है, मेड इंडिया में हो क्या रहा है? चाइना से, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर मान लो कि 20 पार्ट लगते हैं, तो पहले क्या होता था कि पूरा मोबाइल चाइना में बनता था और इंडिया के अंदर आके वो सेल होता था, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर टैक्स लगता था, तो कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कंपनीज को कि तुम इंडिया के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, सब्सिडीज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब मोबाइल फ़ोन कंपनी, गवर्नमेंट ने लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि मैन्युफैक्चरिंग होगी क्या। ठीक है, अब इनको क्या लगा, कंपनी, ये जो चाइनीज़ कंपनी है, बाहरी कंपनी, उनको, इनको लग गया हाथ में लड्डू। ठीक है, इनको पता है गवर्नमेंट में इतना दिमाग तो है नहीं फ़र्क करने का कि मेक इन इंडिया के, असेंबल इन इंडिया क्या होता है और मेड इन इंडिया क्या होता है। तो इन्होंने किया मोबाइल, पहले से पूरा बाहर बनता था, तो इन्होंने किया मोबाइल के टुकड़े कर दिए। ठीक है, और सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो इम्पोर्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि कस्टम जो है वो 2,000 रुपये से नीचे, अगर आप कोई आइटम बाहर से इम्पोर्ट करते हो, 2,000 या 4,000 कुछ रेट है, फिक्स है गवर्नमेंट का, अगर आप इससे नीचे का पार्ट इम्पोर्ट करते हो तो कोई कस्टम नहीं लगता है। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आप दो से, दो तो नहीं, ज़्यादा ही है, 4,000 के करीब है रेट, अगर आप 4,000 तक का कोई भी पार्ट इंपोर्ट करते हो बाहर से, तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। तो जितने भी मोबाइल के अंदर पार्ट आते हैं उसकी कीमत, कोई भी किसी भी पार्ट की कीमत 4,000 से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होती। ठीक है, तो ये इतने तेज हैं बाहरी कंपनी वालों ने किया, मोबाइल के टुकड़े कर दिए, अलग अलग 20 टुकड़े कर दिए कि मोबाइल के, उनके पार्ट्स मंगाए, कस्टम ड्यूटी लगी नहीं, ठीक है, किसी भी पार्ट पे। उसके बाद इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर आके नोएडा या फिर अपना बैंगलोर के अंदर असेंबलिंग यूनिट्स लगा दी। असेंबलिंग में क्या होगा, ये जो पार्ट्स बाहर से आए थे इम्पोर्ट हो गए, इनको जोड़ जोड़ के मोबाइल तैयार कर दिया, सारे पार्ट अंदर चाइना के, और पीछे स्टिकर लगा दिया डब्बे के ऊपर मेड इन इंडिया। और ऊपर से ये मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाने से क्या हुआ, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है स्टार्टअप्स के लिए या इन फैक्ट्रीज को लगाने के लिए, वो सब्सिडीज भी ले ली। तो दोनों हाथ में लड्डू, एक तो बाहर से सामान मंगाया, एक्साइज ड्यूटी भी नहीं भरी किसी भी पार्ट पे, इंडिया के अंदर सामान आया और गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी ले ली। तो इन मोबाइल कंपनियों के हाथ में दो दो लड्डू। ठीक है, उसके बाद इनका मार्जिन भी बढ़ गया इससे,
और उससे क्या हुआ, इन्होंने अपनी उसी मोबाइल जो मान लो 10,000 का पहले बाहर से बिक रहा था, तो उसी मोबाइल को 9,000 का बेचा इंडिया के अंदर। अब आप कहोगे मेक इन इंडिया सस्ता हो गया, ये सस्ता इसलिए हुआ क्योंकि कस्टम ड्यूटी बच गई उनकी, जो वो पार्ट्स को अलग अलग करा के मंगा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि जो मेड इन इंडिया चल रहा है उससे इंडिया को फायदा हो रहा है खास। हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है कि जो असेंबली यूनिट के अंदर जो लोग लगे हैं, जो उनको टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, उनको जॉब मिली है, लेकिन ये नुकसानदायक है जो फेक इन इंडिया है। ये बेसिकली असेंबल इन इंडिया है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट सच्ची में मेड इन इंडिया करना चाहती है तो उन कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए कि जो ये अंदर के जो पीसीबी बोर्ड हैं, ये जो बैटरीज हैं, ये इंडिया के अंदर बेस से मैन्युफैक्चर हो, मतलब बाहर से एक भी पार्ट इम्पोर्ट ना हो, और जितने भी पार्ट लगें, मतलब लगा लो कि 80% पार्ट, मतलब जो इस मोबाइल के अंदर एलसीडी लगती है, पीसीबी बोर्ड लगता है, बैटरी लगती है, तीन चीज भी अगर वो कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करे, तब जाके मैं इसको सही में मेड इन इंडिया मानूंगा। और ये खाली इस मोबाइल फोन के लिए नहीं है, और भी जैसे आपके आइटम बन रहे हैं, पावर बैंक बन रहे हैं, जैसे शाओमी अब कहती है हमने मी पावर बैंक 2i का मेड इन इंडिया बनाया, वो भी मेड इन इंडिया नहीं है, वो भी असेंबल इन इंडिया है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप कोई भी मेड इन इंडिया इन चाइनीज़ का प्रोडक्ट का कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लीजिए, आपके पास स्क्रू ड्राइवर होगा या तो फिर जाके मार्केट से ले आइए, अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हैं उनको चेक कीजिए, उनके ऊपर लिखा होगा या फिर उनके ऊपर QR कोड लगा होता है, उसको स्कैन कीजिए, आपको सारे एड्रेस सारे लिंक मेड इन चाइना के ही मिलेंगे। सो ये जो मेड इन इंडिया चल रहा है ये फेक इन इंडिया है, ठीक है, या फिर असेंबल इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया नहीं है और इससे इंडिया कहीं दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो चाइनीज़ कंपनियां हैं ये दोनों हाथों पे लड्डू लेके जम के पैसा कमा रही है और इंडिया को लूट रही हैं, ठीक है। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये आप इस चक्कर में ना कोई प्रोडक्ट खरीदें पीछे स्टिकर दे के मेड इन इंडिया, चलो भाई हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये लेंगे, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मेड इन इंडिया अब भी नहीं हुए हैं, ये असेंबल इन इंडिया है। इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।